और उड़ान के करीब 7 मिनट बाद ही कार्गो सेक्शन में धुआं भरने लगा, साथ ही कॉकपिट में अलार्म भी बजने लगा। जब तक कि पायलट कुछ समझ पाता, कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा। देखते ही देखते धुआं प्लेन के कैबिन में तेजी से फैलने लगा। यह सब देखकर पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, साथ ही प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर ले जाने का फैसला किया। ये प्लेन वापस एयरपोर्ट पर आ भी गया और सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग भी किया, लेकिन लैंड करने के बाद करीब 3 मिनट तक ये प्लेन रुका ही नहीं। उधर एयरपोर्ट पर खतरे की घंटी बज चुकी थी। एयरपोर्ट पर प्लेन रुक तो गया था, लेकिन प्लेन का दरवाजा अब ओपन ही नहीं हो रहा था। साथ ही प्लेन का दोनों इंजन अभी भी तेजी से घूम रहा था। यह इंजन तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद अंदर बैठे सभी 301 पैसेंजर्स की किस्मत में अब मौत ही लिखी थी। धीरे धीरे प्लेन के केबिन में लोगों की रोने चिल्लाने की आवाज कम होती गई और तभी अचानक प्लेन में हुआ जोरदार धमाका। देखते ही देखते ये प्लेन आग के लपटों में गिर गया और सभी के सभी 301 लोग उस भीषण आग में जलकर राख हो गए। रमजान मनाने के लिए जा रहे यात्री कभी मक्का पहुंच ही नहीं पाए। आखिर उड़ान के करीब 7 मिनट बाद कार्गो सेक्शन में धुआं कैसे निकलने लगा? प्लेन को सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंड करने के बाद भी प्लेन का दरवाजा क्यों ओपन नहीं हो रहा था? लैंड करने के बाद भी क्यों 301 लोगों को बचाया नहीं गया? आखिर प्लेन में ब्लास्ट कैसे हो गया? क्यों इस हादसे को रोका नहीं गया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। मंगलवार 19 अगस्त 1980 सऊदी अरब एयरलाइन फ्लाइट 163 इस प्लेन को पाकिस्तान के कराची में कायदे आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए सऊदी अरब में ही जेद्दा के कंडारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना था। इस प्लेन में धीरे धीरे 287 यात्री और 14 क्रू मेंबर्स के साथ सभी 301 लोग दाखिल होने लगे। इस प्लेन को 38 वर्षीय कैप्टन मोहम्मद अली कोवाइटर उड़ाने वाले थे। इनके पास लगभग 7674 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। कैप्टन कोवाइटर ने 1965 में सऊदी एयरलाइन को ज्वाइन किया था। उन्हें डगलस DC-3, DC-4, मैकडोनल्ड डगलस DC-9, बोइंग 707, बोइंग 737 जैसे प्लेन्स उड़ाने का एक्सपीरियंस था। वही 26 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर सामी अब्दुल्ला यम हेसनैन भी इस प्लेन में मौजूद थे। इनके पास लगभग 1615 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान खराब प्रदर्शन के कारण हसनैन को फ्लाइंग स्कूल से निकाला गया था। इसके अलावा 42 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर ब्रेडली कर्टिस भी इस प्लेन में मौजूद थे। इनके पास 650 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। अब सऊदीया फ्लाइट 163 पाकिस्तान के कराची कायदे आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम के 6:32 पर उड़ान भरा। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। रात के अंधेरे में भी पायलट रनवे को साफ साफ देख सकता था। उड़ान के करीब 30 मिनट बाद शाम के 7:06 पर सऊदीया फ्लाइट 163 अपने पहले डेस्टिनेशन पर सऊदी में रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अब यहां पर इस प्लेन को फ्यूल भरने के लिए लगभग 2 घंटे रुकना था। इस बीच कई पैसेंजर्स प्लेन से उतर गए और फाइनली 2 घंटे बाद प्लेन को रिफिलिंग करके ये प्लेन 9:08 पर जेद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा। पर उड़ान के 7 मिनट बाद केबिन क्रू को कार्गो सेक्शन से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया, साथ ही कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। उधर केबिन क्रू ने कंफर्म करने में 4 मिनट बर्बाद कर दिए। उसके बाद फ्लाइट इंजीनियर ब्रेडली कर्टिस को इसे कंफर्म करने के लिए केबिन में बुलाया गया। तब तक धुआं प्लेन में तेजी से बढ़ चुका था। अब वापस कॉकपिट में जाकर फ्लाइट इंजीनियर ने पायलट को बता दिया कि प्लेन के केबिन में धुआं काफी तेजी से फैल रहा है। इसके तुरंत पायलट ने ATC से कहा कि भाई हम वापस रियाद एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं, हमारे प्लेन में आग लगी है। साथ ही पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया।
अब उधर एयरपोर्ट पर खतरे की घंटी बज चुकी थी। कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा। तभी इंजन नंबर 2 जाम हो गया क्योंकि उसे ऑपरेट करने वाला सभी केबल्स आग के कारण जल चुका था। इसीलिए पायलट ने इंजन नंबर 2 को बंद कर दिया। फाइनली ये प्लेन वापस रियाद एयरपोर्ट पर आ गया और करीब 9:36 पर इस प्लेन ने रनवे पर टचडाउन किया। लेकिन टचडाउन करने के बाद भी ये प्लेन रनवे पर रुक नहीं पाया और रनवे पर रगड़ खाते हुए ये प्लेन टैक्सिंग करने लगा। पायलट लाख कोशिश करने लगा इस प्लेन को जल्द से जल्द रोकने की, क्योंकि प्लेन के केबिन में और कॉकपिट में धुआं तेजी से भरने लगा था। साथ ही आग भी बढ़ रही थी जिसके कारण प्लेन के अंदर सांस लेने लायक हवा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। प्लेन में चारों ओर बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। रनवे पर टचडाउन करने के 3 मिनट तक यह प्लेन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके कारण अग्निशामक दल और रेस्क्यू टीम प्लेन के पीछे भाग रहे थे। पर यह प्लेन तो आग के लपटों से घिरे हुए बस आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जिस डायरेक्शन से यह प्लेन रनवे पर उतरा था, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर यह प्लेन रुक गया। पायलट ने सभी पैसेंजर्स को अनाउंस कर दिया कि हम इंजन को बंद कर रहे हैं और जल्द ही हम प्लेन के बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन तभी और एक समस्या खड़ी हो गई। विंग पर लगे दोनों इंजन अभी भी तेजी से घूम रहे थे, जिसके कारण बाहर से रेस्क्यू टीम को प्लेन का दरवाजा खोलने में काफी दिक्कत हो रही थी और अंदर से दरवाजा खोलने के लिए शायद अब कोई इंसान जिंदा ही नहीं था। सभी के सभी 301 पैसेंजर्स हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। प्लेन के अंदर से रोने चिल्लाने वाला, मदद की पुकार करने वाला अब प्लेन में कोई भी नहीं था। प्लेन लैंड करने के करीब आधे घंटे बाद प्लेन के लेफ्ट साइड का दरवाजा खोला गया, पर अगले 3 मिनट में ही प्लेन के अंदर एक जोरदार धमाका हो गया। पूरा का पूरा प्लेन आग की लपटों में गिर गया और आंखों के सामने 301 लोगों सहित यह प्लेन आग में भस्म हो गया। आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, जबकि प्लेन रनवे पर लैंड भी किया था? फिर भी क्यों पायलट लोगों को बचाने में सफल नहीं हुआ? क्यों प्लेन के दरवाजे को खोला नहीं जा सका? आखिर कैसे प्लेन में आग लग गई? अब इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम काम में लग गई। इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं 7 मिनट पहले, जब ये प्लेन रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिफ्यूलिंग करके उड़ान भरा था। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने देखा कि आग की शुरुआत कार्गो सेक्शन के पिछले हिस्से से हुई थी। साथ ही इन्वेस्टिगेशन की टीम को प्लेन में 2 ब्यूटेन स्टोव मिले। उनमें से एक के पास आग बुझाने का छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर भी मिला। इससे इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ये अनुमान लगाया कि यात्रियों में से किसी ने चाय के लिए पानी गर्म करने के लिए अपने ब्यूटेन स्टोव का इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों, 1980 में हम इतने एडवांस भी नहीं थे और प्लेन से सफर करने के लिए इतना सारा रूल्स भी नहीं था। साथ ही प्लेन 25,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया था और प्लेन का केबिन पूरी तरह से प्रेशराइज था। जब आग लगी तो उस यात्री ने आग बुझाने के लिए अपने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बारे में भी कोई पुख्ता सबूत इन्वेस्टिगेशन की टीम को नहीं मिला। जब केबिन क्रू को प्लेन के कार्गो सेक्शन में धुआं दिखाई दिया, तभी उसने पायलट को बता देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले खुद चेक करने में ही 4 मिनट वेस्ट कर दिए। इसके बाद जब फ्लाइट इंजीनियर ने इसे कंफर्म किया था, उसके बाद भी पायलट ने प्लेन को वापस ले जाने का डिसीजन नहीं लिया। ऐसी स्थिति में भी पायलट रूल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, जबकि इमरजेंसी कंडीशन में रूल्स गए तेल लेने पहले पैसेंजर्स की सेफ्टी को देखना चाहिए था। साथ ही पायलट ने और एक बड़ी गलती कर दिया था। उसने कह तो दिया था कि हम इंजन को बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लेन के विंग्स में लगे दोनों इंजन ऑन ही था, जिसके कारण रेस्क्यू टीम प्लेन का दरवाजा खोल नहीं पाई। जब ये प्लेन रनवे पर टचडाउन किया था, तभी प्लेन के अंदर की प्रेशराइज एयर को डीकंप्रेस करना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण प्लेन का दरवाजा अंदर से खुल नहीं रहा था। केबिन क्रू ने भी प्लग टाइप डोर को खोला नहीं था।
कुछ समय तक वो दरवाजा बस ढूंढते रह गए थे। साथ ही ये भी पाया गया कि प्लेन का प्रेशराइजेशन हैच कम्प्लीटली क्लोज था, जबकि उसे प्लेन रनवे पर टच डाउन करते ही ओपन होना चाहिए था और प्लेन का केबिन पूरी तरह से डीप्रेशराइज होना चाहिए था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर लोगों की मौत हवा में ही हुई थी प्लेन रनवे पर लैंड करने से पहले ही। इसका मतलब साफ साफ था कि प्लेन के अंदर आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सांस लेने लायक हवा प्लेन में खत्म हो गई थी। प्लेन का केबिन पूरी तरह से धुएं से भर गया था और सभी लोग 25,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही एक एक करके बेहोश होने लगे थे। जब तक ये प्लेन लैंड करता उससे पहले ही लोगों ने मौत को गले लगाया था। बाकी बचे लोग जो अधमरे हो गए थे उन्हें अब आग ने अपने चपेट में ले लिया था। दोस्तों ये हादसा एक ऐसा हादसा था जिसे होने से रोका जा सकता था। खैर आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।